Hello friends, welcome to Fit Life Regime. Bad eating habit, luxurious and lethargic lifestyle की वजह से मोटापा व इससे होने वाली बीमारियां जैसे कि high blood pressure, high cholesterol, diabetes आदि लगातार बढ़ती जा रही हैं. Calorie in and calorie out, scientific approach and good nutrition and exercise regime को follow करके आप मोटापा और इससे होने वाली प्रॉब्लम से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आपने कई बार कैलोरीज के बारे में सुना होगा और पढ़ा होगा, बट मे बी आपको इसके बारे में डिटेल में नहीं पता होगा कि हमें कहां से कैलोरी मिलती है एंड इस कैलोरी का कैसे यूज किया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कैलोरी के बारे में डिटेल में समझाऊंगा कि कैलोरी क्या होती है या कैलोरी बॉडी में कैसे स्टोर होती है, कैलोरी को कैसे बर्न किया जा सकता है एंड फैट लॉस के लिए कितनी कैलोरी का कंजप्शन करना चाहिए। कैलोरी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सभी खाने व पीने वाली चीजों से कैलोरी मिलती है एक्सेप्ट वाटर। जब भी आप कुछ खाते हैं या पीते हैं तो इससे बॉडी को कैलोरी मिलती है। इस प्रोसेस को कैलोरी इन कहते हैं। जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, टॉकिंग, यूजिंग स्टेयर्स, डूइंग गार्डनिंग एंड मैनी अदर वर्क, तो इसमें कैलोरी बर्न होती है एंड हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए भी कैलोरी का यूज होता है। इस प्रोसेस को कैलोरी आउट कहा जाता है। कैलोरी को डिटेल में समझने के लिए कैलोरी एंड बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कैलोरीज जो है एक फॉर्म ऑफ मनी है एंड हमारी बॉडी एज ए फॉर्म ऑफ बैंक है। आप अपनी कैलोरी को अपनी बॉडी में सेम तरीके से स्टोर करते हैं जैसे कि आप बैंक में मनी को डिपॉजिट करते हैं, बट कई बार हम डिपॉजिट तो ज़्यादा करते हैं एंड विड्रॉल कम करते हैं, बट बैंक के केस में तो ये बेनिफिशियल है कि हमारे पास एक्सेस मनी कलेक्ट हो रही है, बट एज ए बॉडी जब हम ज़्यादा कैलोरी का कंजप्शन करते हैं तो ये एज ए फॉर्म ऑफ फैट स्टोर होने लगती है बिकॉज हमारी एक्टिविटी लेवल बहुत कम होती जा रही है जिसकी वजह से हम कैलोरी का आउट नहीं कर पा रहे हैं एंड ये साइमल्टेनियसली बढ़ती जा रही है। कैलोरी और एनर्जी स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए हमें कैलोरी इन और कैलोरी आउट को मेंटेन करना होगा। कैलोरी आउट के फोर मेन प्रोसेस है। आइए जानते हैं ये फोर प्रोसेस क्या होते हैं। फर्स्ट वन बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR, सेकेंड वन थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, थर्ड वन फिजिकल एक्टिविटी, फोर्थ वन नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। इसमें से एक बेसल मेटाबॉलिक रेट है जो बॉडी के बेसिक सस्टेनिंग फंक्शंस जैसे कि सर्कुलेशन, ब्रीथिंग, सेल प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस एंड आयोन ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने के लिए एनर्जी एज ए फॉर्म ऑफ कैलोरी का यूज करती है। टोटल कैलोरी का 60-70% यूज BMR प्रोसेस में होता है। सेकेंड वन थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, फूड को डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, मेटाबोलाइज एंड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी एनर्जी का यूज करती है। बॉडी का टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का 10% यूज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड में होता है। प्रोटीन रिच डाइट का थर्मिक इफेक्ट कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रिच डाइट से ज्यादा होता है, इसीलिए फैट लॉस के दौरान हाई प्रोटीन डाइट का यूज करना चाहिए। थर्ड वन फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का एनर्जी एक्सपेंडिचर % to % पे डिपेंड करता है। जो व्यक्ति सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जीते हैं उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर कम होता है एंड जो व्यक्ति फिजिकली एक्टिव होते हैं उनका एनर्जी एक्सपेंडिचर काफी अधिक होता है। फोर्थ वन नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, हम इसे NIT भी कह सकते हैं। NIT में यूज होने वाली एनर्जी पर्सन के एक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करती है, जैसे कि वह कितना फिजिकली एक्टिव है, वह स्टेयर का यूज करता है नहीं करता, वो कितनी वॉक करता है, वह क्लीनिंग, गार्डनिंग एंड अदर होम रिलेटेड वर्क करता है नहीं करता, बिकॉज NIT में सारी वह एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जो कि एक्सरसाइज से अलग होती हैं। इसीलिए जो व्यक्ति एक्टिव होता है वह अपनी कैलोरीज को नॉर्मल एक्टिविटी रूटीन्स में इजिली यूज कर रहता है एंड कैलोरी को स्लोली कम करता रहता है। अकॉर्डिंग टू कैलोरी इन एंड कैलोरी आउट, ओबेसिटी और मोटापा का मेन कारण एक्सेस कैलोरी कंजप्शन है। आज के बिजी लाइफस्टाइल एंड फास्ट फूड ट्रेडिशन की वजह से हमारा कैलोरी इंटेक बढ़ता जा रहा है एंड फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण कैलोरी यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, जिससे कैलोरी आउट कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से बॉडी कैलोरी सरप्लस में रहती है एंड बॉडी फैट एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देती है। इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए
एंड मोटापे को कम करने के लिए बॉडी को नेगेटिव एनर्जी बैलेंस एंड कैलोरी डेफिसिट स्टेट में लाना होगा। मे बी जैसे आपको पता होगा, एक पाउंड बॉडी फैट लॉस करने के लिए आपको 3500 कैलोरी का कम कंजप्शन करना चाहिए। यदि आप एक दिन में 500 कैलोरीज का कम यूज करते हैं तो एक वीक में आप 3500 कैलोरी को इजीली कम कर सकते हैं। बॉडी फैट को कम करने के लिए कैलोरी इंटेक को कम करना चाहिए एंड कैलोरी आउट को बढ़ाना चाहिए। कैलोरी इंटेक को रिड्यूस करने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल एंड डाइटरी हैबिट्स में कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि रिप्लेस सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड एनर्जी ड्रिंक्स विद प्लेन वाटर, कोकोनट वाटर, ग्रीन टी एंड हर्बल टीज। सेकेंड वन, प्लेट की सर्विंग साइज को कम करना एंड ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सलाद को डाइट में एड ऑन करना। थर्ड वन, शुगर के इंटेक को कम करना और टी, कॉफी एंड मिल्क जैसी चीजों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का यूज बंद कर देना। फोर्थ वन, पुअर न्यूट्रिशनल वैल्यू फास्ट फूड एंड प्रोसेस फूड को घर पर बनने वाले डिलीशियस एंड न्यूट्रिशन रिच एंड लो कैलोरी फूड से रिप्लेस करना। फिफ्थ वन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड का इंटेक बढ़ा दे, जैसे कि होल ग्रेन, ब्राउन राइस, ओट, मल्टीग्रेन एंड किनुआ। कैलोरी इनको कम करने के लिए कुकिंग मेथड में भी कुछ चेंजेस करने होंगे, जैसे कि रिप्लेस रिफाइंड ऑयल विद सम गुड क्वालिटी एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड प्योर काओ घी। कैलोरी आउट को बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले बेसल मेटाबॉलिक रेट को इम्प्रूव करना होगा। इसको इम्प्रूव करने का बेस्ट वे है हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यूज ऑफ ग्रीन टी, हर्बल टी, ब्लैक कॉफी एंड ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर एंड गुड स्लीप। सेकेंड स्टेप, इम्प्रूव योर थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बाई यूजिंग हाई प्रोटीन डाइट, बिकॉज प्रोटीन रिच डाइट का थर्मिक इफेक्ट ज्यादा होता है, जो कि कैलोरी आउट को इंक्रीज करने में काफी इफेक्टिव होता है। थर्ड स्टेप, वी हैव टू स्टार्ट फिजिकल वर्कआउट लाइक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग एंड एरोबिक एक्सरसाइज, जिससे कि कैलोरी बर्न होना स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर वर्कआउट मेटाबॉलिक भी इम्प्रूव रहता है, जिसकी वजह से होल डे कैलोरी बर्निंग प्रोसेस एक्टिव रहता है एंड बॉडी का कैलोरी आउट कंटिन्यूसली इम्प्रूव रहता है। स्टेप नंबर 5, वी हैव टू इम्प्रूव नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जो कि इजी एंड इफेक्टिव टूल है, जिसके लिए कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे, जैसे कि स्टेयर का यूज करना इंस्टेड ऑफ लिफ्ट एंड एस्केलेटर, वॉकिंग एंड स्ट्रेचिंग आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग, प्लेइंग विद चाइल्ड, कुकिंग, गार्डनिंग, डूइंग सम क्लीनिंग वर्क एट होम। इस तरह से आप छोटे छोटे काम करके अपनी कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं एंड मोटिवेटेड एंड हेल्दी रह सकते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप फूड रिलेटेड शॉपिंग के लिए मार्केट जाएं, तो पैकेट फूड परचेज करने से पहले इस पर दिए गए न्यूट्रिशन फैक्ट लेवल को जरूर रीड करें, जिससे आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम एंड अदर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि वे कितनी कैलोरी पर सर्विंग प्रोवाइड कर रहे हैं या उनमें कितनी कैलोरी पर सर्विंग अवेलेबल है। जैसे जैसे कैलोरी इन कम एंड कैलोरी आउट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से बॉडी कैलोरीज डेफिसिट स्टेट में चली जाती है। इस कंडीशन में बॉडी अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बॉडी के स्टोर फैट को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके एंड देन फाइनली ग्लूकोज की फॉर्म में एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर देती है, एंड आफ्टर फ्यू वीक्स यू विल गेट ए डिफरेंट शेप ऑफ योर बॉडी। फैट लॉस के और सभी प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझने के लिए आप आई लिंक क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मोर वैल्यूएबल वीडियोस के लिए प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, लिव ए हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।